आम आदमी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के साथ अपनी कार्यकारिणी का विस्तार करेगी। ये बात कांगड़ा चंबा लोकसभा प्रभारी रिटायर्ड कर्नल एनएस पठानिया ने पत्रकार वार्ता के दौरान कही। पठानिया ने कहा कि प्रदेश के लोगों को विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के दिल्ली मॉडल के बारे में बताया जाएगा। कांगड़ा चंबा लोकसभा से आम आदमी पार्टी के प्रभारी एनएस पठानिया ने कहा कि नगर निगम चुनाव में भी आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशी दिए थे। उन्होंने कहा कि भले ही उनके प्रत्याशियों की जीत ना हुई हो, लेकिन आम आदमी पार्टी को 2000 मत मिले हैं, जिसके हिसाब से उनका मत प्रतिशत 1.7% रहा। उन्होंने कहा कि अगर यही मत प्रतिशत विधानसभा चुनाव के तहत देखा जाए तो ये 6-7% तक जाता है। इस लिहाज से ये आम आदमी पार्टी की जीत है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश 70,000 करोड़ रुपए के कर्ज के तले दबा है। स्वास्थ्य सुविधाओं से लेकर प्रदेश में शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। पठानिया ने कहा कि प्रदेश के लोगों को विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के दिल्ली मॉडल के बारे में बताया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जिस तरह से मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए हैं, लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के साथ ही सरकारी स्कूलों का स्तर भी बढ़ाया गया है। लोगों को निःशुल्क बिजली पानी की व्यवस्था दी जा रही है। वैसी ही व्यवस्था प्रदेश के लोगों को भी दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी प्राथमिक तौर पर अपनी कार्यकारिणी का विस्तार करेगी और हर बूथ से कार्यकर्ताओं की टीम अपने साथ जोड़ेगी। जितने भी हमारे 4 शहरों के जो नगर पालिकाओं के चुनाव हुए हैं, उसमें जितनी भी आपके साथ में पोलिंग हुई है, जितने भी वोट पड़े हैं, उसके मुताबिक हमारी औसतन जो है 1.67% वोट आते हैं। अगर इन शहरों को छोड़ के इन चारों विधानसभाओं के अगर हम इलेक्शन लिए जाएं, तो हमारी जो वोट जो संख्या जो हमारे हिस्से में आते हैं वो 6% आते हैं। और ये 6% कमाई जो है हिमाचल प्रदेश के आम आदमी के वर्कर की दिन रात की मेहनत की कमाई है। ये अगर हम ये 6% जो है एक महीने के बीच में लोगों के पास जा सकते हैं केजरीवाल मॉडल लेके, तो हम 15 महीने जो हमारे 2022 के जो पड़े हुए विधानसभा इलेक्शंस के, तो मुझे पूरी आशा है कि हम 22-25% वोट जो है हिमाचल प्रदेश में लेंगे। और इसमें जरूर हमारे 8-10 MLA जो है कांगड़ा विधानसभा के जरूर कामयाब होंगे। दिल्ली मॉडल का जो जिस बीच में प्रचार किया जा रहा है, उसमें ये फैक्ट हैं, कोई भी जो है शख्स जो है इसको चेक कर सकता है कि दिल्ली में फ्री बिजली, फ्री पानी, 20,000 लीटर, अच्छे बेस्ट मोहल्ला क्लिनिक, किसी एक्सीडेंट घटना होने के बीच में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, या फौजी आदमी है, या कोई पुलिस का किसी का भी है, या डॉक्टर्स हैं, कुछ भी है, कोरोना वॉरियर्स हैं, उनको 1 करोड़ रुपया मिलेगा और उनके घर वालों को 1 नौकरी भी मिलेगी। सिटी चैनल के लिए नूरपुर से संजीव महाजन की रिपोर्ट।